स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक आर्ट में। मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 का बताने जा रहा। पार्ट 4 है ये मेरा, और इसमें मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नेमिंग, कार्बनिक यौगिकों का किस प्रकार से IUPAC नेम आप लिखते हो उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे पूरा देखेंगे ताकि आपको आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज IUPAC नेम के आधार पे किस प्रकार से IUPAC प्रणाली के तहत कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है कार्बन के यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले IUPAC प्रणाली का पूरा जो नाम है वो जान लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में दो युग्म हो जाते हैं जिसमें से सफिक्स और प्रत्यय के बारे में अनुलग्न यानी प्रत्यय वर्ड का उत्पत्ति यहाँ पर होगा और सफिक्स होगा। सफिक्स प्रफिक्स ये दोनों चीज़ यहाँ पर होंगे और इसमें कार्बन के अनुसंख्या के आधार पर इसे बनाया गया है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें से कौन सा सफिक्स और कौन सा प्रफिक्स होगा उसे देखेंगे। सबसे पहले मान लिया जाए कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, हम कार्बन कार्बन परमाणुओं की संख्या पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या पर, जैसे मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और IUPAC नेम में इसमें मूल शब्द इसके क्या होंगे, मूल शब्द इसके रहेंगे, ये फिक्स रहे और कार्बनिक यौगिक को समझने के लिए ये ज़रूरी है। अगर कार्बनिक यौगिक का पहला में जिसमें कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या अगर 1 है तो उसके मूल नाम जो है वो होगा मेथ। उसके बाद अगर 2 है कार्बन के परमाणुओं की संख्या उस यौगिक में 2 है तो उसमें आ जाए एथ। अगर 3 है तो क्या आ जाएगा, प्रो। और 4 है तो क्या आएगा आपका, चार तो उसमें आ जाएगा ब्यूट। इसी प्रकार से पूरा का पूरा होगा आपके पास। उसी प्रकार से 5 अगर है तो पेंट, उसके 6 अगर हैक्स, 7 है तो हैप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो उसके लिए टेक तक का उपनाम इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मूल नाम होंगे, जो आपके क्या होंगे, मूल नाम होंगे। इस मूल नाम पर ही आप मूल रूप से फोकस करेंगे जो कि क्या कहलाएगा, और ये फिक्स रहेगा हमेशा। ये हमारा जो है प्रफिक्स के रूप में रहेगा जो कि हमारा फिक्स रहेगा। इसे आप हिंदी में उपसर्ग भी बोल सकते हैं कि यह उपसर्ग आगे लगा हुआ रहेगा। आप ये बोल सकते हैं कि यह हमेशा आगे लगा हुआ रहेगा। अब कौन से कार्बनिक यौगिक हैं, इसका क्या नाम होगा उसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एल्केन के समूह का, हमने एल्काइन के बारे में बताया है, जिसमें एल्केन के समूह का पहला अगर आपके पास है तो बताइए एल्केन के समूह में हमने बताया था कि क्या हो सकता है। जैसे मैथ तो रहेगा ही, एल्केन के समूह में कौन सा व्युत्पन्न जुड़ जाता है तो उसमें एन जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये पूरा का पूरा मेथेन हो जाएगा। कार्बन का पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो हमारा क्या है, मेथेन है, CH4। तो उसी प्रकार से इथेन, एथेन, एथ है और उसमें एन जुड़ गया तो क्या हो गया, एथेन C2H6, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस इसमें लास्ट में व्युत्पन्न इसके जुड़ रहे हैं और एपीसी नेमिंग को इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर एपीसी नाम में, ये तो मैंने एल्केन का बताया, एल्केन के बाद एल्केन के बाद एल्कीन, फिर एल्काइन, इन सब व्युत्पत्ति का नाम जुटता है और जिसमें कि पहला लेटर मेथ, एथ, प्रो, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डिक इसके लास्ट में ही जुटते हैं। जैसे एल्केन के समूह में जिसका सामान्य सूत्र एल्केन का, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है आपका CnH2n+2 होता है, और जिसमें अगर पहला होगा तो मिथेन, फिर दूसरा होगा दो होगा तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से कंटिन्यूस बढ़ते हुए जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको पूर्णतः जो है क्या करना है कि फोकस कर लेना है कि किस प्रकार से आप इसके नेमिंग को रखेंगे। अब आगे चलते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के पूरे समूहों को देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि हम प्रो जोड़ क्या हो जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र C3H8, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए लगातार प्रोपेन में प्रो प्लस एन जुटा, प्रोपेन हुआ, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन, ये मैंने एल्केन के सामान्य सूत्र के आधार पर, एल्केन के सामान्य सूत्र के आधार पर मैंने इनका नाम कर दिया, नेमिंग लिख दिया, जो कि आईपीसी नेम के तहत, IUPAC प्रणाली के तहत इसका नेमिंग हुआ। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये सभी जो है IUPAC प्रणाली के तहत ये नाम आपको याद रखने हैं और इसी अनुसार से एडजस्ट होगा। अब देखेंगे कि द्विबंधन में एल्कीन में इसके क्या होते हैं, या एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में इसका नाम किस प्रकार से रख सकते हैं, उसे ध्यान से हम लोग कर लेंगे कि एल्कीन में किस प्रकार से इसका नाम रखते हैं। एल्कीन क्या है भाई, एल्कीन का सामान्य सूत्र आप क्या जानते हैं इसका, CnH2n। यहाँ पर जो है H के साथ 2N रहेगा और यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बन की संख्या, यहाँ पर जो N का जो वैल्यू है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया N का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2, 3, 4, 5। तो बताइए कि जब 2 रहेगा, कार्बन की संख्या अगर 2 है, कार्बन की संख्या अगर इसको इस प्रकार से डील कर लें पहले, जबकि एन बराबर जो है ना 2 है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2H2 × यहाँ पे 2 = हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, तो हमने क्या अभी पढ़ा कि कार्बन की संख्या जब 2 होगी तो वहां पर एथ लगेगा और एथ जो है वो पहला लेटर होगा, लेकिन एल्कीन है और एल्कीन में इन वर्ड जुट जाता है, लेकिन इनमें कौन सा वर्ड जुड़ता है, इन वर्ड जुट जाता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसमें इन वर्ड जुटेगा तो इथीन हो जाएगा यहाँ पर, इथीन इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इथीन। इन इसमें जो है, इन जो है सफिक्स आ गए, यहाँ पर प्रत्यय जो है वो इन लग गया,
इसका सामान्य सूत्र। उसी प्रकार से जब एन की संख्या यानी कार्बन की संख्या 2 हो जाए यानी 3 हो जाएगा, अब 3 कंटिन्यू है, तो 3 में क्या बताया था मैंने आपको कि प्रो प्रोफेस में, तो प्रोप में जो है वो क्या लगेगा, इन लगेगा, सभी में यहाँ पर चूंकि एल्कीन का है तो इसमें इन लगेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को जो है आपको क्लियर कर लेना है, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि कैंटिनियस इन सब में जुड़ जाता है, पहला वाला जो वो फिक्स रहता है, एल्कीन है यहाँ पर, तो इसके इन लास्ट में जुटे हैं। इसी प्रकार से अब त्रिबंधन के साथ, ये तो द्विबंधन के साथ हुआ, इसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है और मैं आपको फिर से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर आते हैं एल्काइन, एल्काइन के बारे में जानते हैं। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, इसे ध्यान रखेंगे कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, इसका सामान्य सूत्र होता है ये। यह इसका सामान्य सूत्र हुआ, और इस पर जैसे ही बैठेगा, तो पहले तो मैंने बता दिया कि इसमें भी जो स्टार्ट होता है एन, जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 2 से, 2, 3, 4 डॉट 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 आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें पहला जो 2 लेटर वाला है उसको मैंने क्या बताया था कि एथ रखना है। फिर आप मैंने क्या बताया था कि अगला जो, जैसे कि मान लीजिए कि एन का वैल्यू 2 है तो एथ रहेगा, यानी कि सी के का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो क्या होगा भाई, तो वो प्रो हो जाएगा, प्रो फिर ब्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसमें कौन सा जुटेगा, आईपीसी नेम के आधार पे क्या जुटने वाला है इसमें, तो आईपीसी नेम के आधार पर इसमें जो जुटेगा वो है आइन, इसके लास्ट वाला लेटर वो आइन जुट जाएगा इसमें, एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो आइन जुटेगा, YNE जुटता है यहाँ पर, तो आइन अगर जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा इसका नाम, तो ये देखेंगे तो एथाइन हो जाएगा नाम इसका, एथाइन। इस चीज को अच्छे तरीके से कर लेना, एथाइन हो गया नाम। अब अगला देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो यहां पर देखेंगे इसमें अगर आइन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी इसका करते जाते हैं साथ साथ में ही क्लियर हो जाएगा, इथाइन नाम हो गया इसका। ऐसे एसिटिलीन गैस भी इसको कहते हैं, C2H2। अब अगला जो होगा वो क्या होगा इसका, प्रोपाइन, प्रोपाइन प्रोपाइन का हो जाएगा C3H4। दो दो के डिफरेंसेस होते हैं इन लोगों में, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के समझात हैं। उसके बाद फिर इसमें आइन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, ब्यूटाइन, इसे आप लोग अच्छे तरीके से, अगर समझ में नहीं आई ये वीडियो तो इसको 2 बार जरूर देख लें, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके कमेंट के आधार पर हम आपके लिए न्यू वीडियो पुनः लेकर आएंगे, ठीक है। पेंटाइन, तो इस प्रकार से पेंटाइन का सूत्र क्या हो जाता है, पेंटाइन का सूत्र हो जाता है C5H, यहाँ पर एट आ जाएगा फॉर्मूला के आधार पे। आज मैंने एल्केन एल्कीन और एल्काइन का सामान्य तरीके से किस प्रकार से नेमिंग आईपीसी नेम के आधार पर किया जाता है वो मैंने बताया। कल मैं क्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, प्रतिक्रियात्मक शील समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड इत्यादि के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।